गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। अभी सुबह का टाइम है, नीचे पूजा चल रही है और अभी हमारे यहाँ फेस्टिवल का टाइम है। रोज ही कोई ना कोई पूजा और है, कुछ कल भी था आज भी है और अभी तो मेला भी लगेगा हमारे घर के सामने आज। ओ, और कल तो है पहला बैशाख, मतलब चल रहा है अभी फेस्टिवल का टाइम। ये हर साल होता है, कुछ दिन हम ऐसे ही मनाते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और क्या बोलूँ, अभी चलो लंच की तैयारी कर लेती हूँ। लंच मेरा बन चुका है, आज ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि शाम को कुछ बहुत कुछ शेयर करना है, तो सोचा लंच की तैयारी करके आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ और दिखा दूँ क्या क्या बनाया है। एकदम सिंपल सादा खाना बनाया है आज। ये देखिए, दाल और कच्चा आम थोड़ा सा डाला है मसूर की दाल में, साग पाटे साग और आम की चटनी। आज पहली बार हमारे घर में आम की चटनी बनी है, मतलब कच्चे आम की चटनी लाए हैं मेरे हस्बैंड आज। और आज खाना नियम है आम खाना, कच्चा आम। और क्या, दही जमा लिया है और ड्रमस्टिक जो पॉपी सीड पीस के मैंने इसमें डाला है, काला जीरा छौंका लगा है, मोटे मोटे ड्रमस्टिक मुझे बहुत पसंद है। और दही तो देखा है आपने, सुबह जमा लिया था, अभी जम गया है। अभी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, खाने के समय निकालूँगी। और ये चटनी देखकर मुंह में पानी आ रहा है, जेली जेली आम की चटनी। बहुत गर्मी है, मैंने बहुत मुश्किलों से इतना सारा खाना बनाया है। मेरे हस्बैंड ने बोला आज घर में हो, बनाओ ये बनाओ वो बनाओ, तो बना दिया। चलो सोचा जल्दी जल्दी रसोई का काम कर लो, हवा खा लो थोड़ा। फिर काम करने के बाद शाम को थोड़ा मेला घूमने जाऊंगी। हमारे सामने ही मेला लगी है आज, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा कल से चल रही है ना, तो उसी के लिए ये मेला है। तो शाम को थोड़ा मेला घूमने जाऊंगी, तो ब्लॉग बना लूंगी, यही सोचा। और प्रीतम का सर आया था, ट्यूशन टीचर पढ़ा दिया है, अभी वो कहीं घूमने गया है और उसके पापा भी बाहर है। मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना लो, फिर जाऊंगी तीनों मिलकर मेला घूमने। और क्या बोलूँ, देखा आप लोगों ने सुबह कितना सारा खाना बनाया, उसके ऊपर मेरे हस्बैंड बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये क्यों वो क्यों, क्या बोले मतलब बनाओ भी सुनो भी। और इसीलिए वीडियो नहीं बनाए क्योंकि बहुत सारा खाना था, बहुत सारे आइटम, तो जल्दी जल्दी अगर बनाना पड़े ना तो शूट करते हुए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जल्दी जल्दी दोनों गैस को ऑन करके बना लिया सब। और हाँ, आज ये साड़ी पहनी है, बोलना भूल गई, ये हैंडलूम की साड़ी पहनी है, एकदम हल्की और लाल कलर, कलर भी बहुत बढ़िया है ना। तो शॉर्ट वीडियो भी बन जाएगा और फिर मैं जाऊंगी जब मेला घूमने, तो अभी ठीक है। ऐसे नॉर्मली ये साड़ी बहुत अच्छी है, वो देखो प्रीतम है शायद, रुको रुको, दरवाजे को ठोक ठोक के खोल देता है ये। हाँ क्या बोलूं, लेकर आओ दिखाती हूँ क्या क्या लाए, इतना बदमाश है, दरवाजा को मैंने खोलने भी नहीं देता, ऐसे ऐसे धक्का दे देगा, तीन बार धक्का देता है तो छिटकनी खुल जाती है, बहुत बदमाश है। आप देखोगे कैमरा मुझे देना, नहीं नहीं देखना है, लोगों का घर, निकलो यहाँ से पहले, बाद में मुझे ट्रिक, गर्मी लग रही है अभी जाओ, मुझे ट्रिक दिखाना है। नहीं दिखाना है, लोगों का घर है, मैं बाबा को बोल दूंगी। नहीं मुझे ट्रिक दिखाना है। चाय पत्ती खत्म हो गई थी, मैं नहीं दिखाऊंगी।
और फेस वॉश मिला और बिस्किट, हॉर्लिक्स बिस्किट, बस और कुछ नहीं। सुनो, हाँ जाओ यहाँ से। मेरे 20 बिस्किट खाए, इसने पूरे पूरे बिस्किट खा लिए। मैंने सिर्फ 20, उसका बिस्किट मैंने खा लिया, यही बोल रहा है। अच्छा लगता है हॉर्लिक्स बिस्किट खाना, है ना? तो मेरा बिस्कुट खत्म हो गया था तो मैंने उसका बिस्कुट खा लिया। ट्रिक दिखाऊंगा, लो दरवाजे को बंद करो। ये देखो दरवाजा बंद लगा दिया, खुल गया। ये देखो का दे देकर खुल गया। ये देखो वीडियो ठीक से नहीं बना पाता, खुल गया। बदमाश, ये करता, ये करना ठीक है? आप लोग ही बोलो, लोग पढ़ाए घर है किराए का, और अगर आप धक्का दोगे ऐसे रोज रोज, जितने बार आता है दरवाजा बंद रहता है ये धक्का देता है, तो अच्छा बात कोई अच्छी बात है क्या? हाँ बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं है, ये समझता नहीं, बहुत बदमाश है। ये देखो भाई, हम मेले में ये लिया था, छतना गए थे ना हम उस मेले में, और क्या फेस वॉश देखो, ये खुद से ही घूमेगा, मैजिक, ये खुद से ही घूमेगा, खुद से ही घूमेगा। हाँ लाइट होती है, करंट चली जाती है अगर लगा दो, लाइट होती है घर में। और क्या बोलो, बाद में बात करती हूँ, अभी पसीना पसीना हो जाऊंगी, कुछ वीडियोस बना लो, फिर आप लोगों से बात करते रहूंगी। आधा घंटे बाद जाओ यहाँ से, जाओ। पापा ने बोला मुझे जाना, तुमको? हाँ ले लो, चलो वो बाल्टी में ले लो, मैं दे दो, नया लेने का बोला। क्या नया? ओ नया पहने का, ठीक है दे देती हूँ उसे। वीडियो बनाना हो गया, अभी चलो मेले के लिए निकल रही हूँ, और बालों को ऊपर एकदम खींच के बांध लिया, बहुत गर्मी है, पसीना आ रही है, तो पीतम मुझे लेकर जा रहा है। अंदर में दिख रहा है पीतम? चलिए मेले में जाकर देखती हूँ क्या। मैंने चार्ट लिया है और साइकिल के ऊपर रखा है, साइकिल के करियर के ऊपर, क्योंकि शूटिंग करना है ना एक हाथ से, तो क्या करूँ, पीतम तो पकड़ेगा नहीं, बोलूँ तो भी कैमरा नहीं पकड़ता। चाट बहुत अच्छी थी सचमुच, मैंने सिर्फ चाट ही खाई और कुछ नहीं खाई, तो वो चाट खा के भी मन भर गया। और यहाँ अंडे का खेल चल रहा है, कुछ पता नहीं था मुझे ऐसा खेल भी होता है, दिखाऊँगी अगर दिखा सकूँ तो। उसके पापा तो नाराज़ हो जाते ये सब करना दिखना, पता नहीं क्यों हर बात में चिढ़ जाते हैं। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन इतनी आवाज़ है मुझे, मतलब फिर म्यूट करना ही पड़ा क्योंकि कान में लगेगा आप लोगों के, इतनी आवाज़ है। और पीतम देखो, पहले ने बोला नहीं खाऊंगा, फिर देखते ही छीनने लगा मेरा चाट, ना खाए खाए, मैं इतना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ थोड़ी सी टेस्ट करूंगा, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी। वो खा ले, बच्चा है वो भी थोड़ा खा ले। और क्या मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, सब घर में बंद थे ना 2 साल तक, अभी मेला लगते ही एकदम सब लोग बाहर आ रहे हैं, घर से इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम कपड़े के दुकान पे जा रहे हैं, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कपड़े का दुकान है, और कभी मैंने इस दुकान से कुछ खरीदा नहीं, अभी तो आई हूँ, एक महीना हुआ है इस इलाके में, तो देखें कैसा है। एक लेगिंग्स ही लेना है, लेकिन आप एक चीज़ लेने जाओ तो 2-3 हो ही जाते हैं। पीतम के पापा ने एक टी शर्ट लिया और मुझे एक कुर्ती पसंद आई, वो भी मैंने ले लिया, और ये मेले के पास ही था दुकान, एकदम सामने ही हमारे, देखो है अच्छी है कुर्ती, देखते देखते ही मुझे एक पसंद आ गई, ना देखती तो ना लेती, क्या बोलूँ, अगर आपको देखने लगा और एक पसंद आ जाए तो ना लिए बिना भी रहा नहीं जाता, लेकिन नहीं, दुर्गापुर में बहुत खर्चा किया, फिर भी ये मैं डर डर के बोली मेरे हस्बैंड से, एक मुझे पसंद आया दे दो ना, तो बोला ठीक है ले लो ये वाला पसंद आ गया, देखते देखते मैं यहीं पर रुक गई एकदम, ले भी लिया। अरे बाबा ले लेती हूँ, बाद में तो और नहीं होगा ना, अभी सीजन है पहला बैशाख के लिए। Whoa!
अंडे का खेल है, मैंने बोला था ना आप लोगों को दिखाऊंगी अगर खेल सकूँ तो। ये देखिए एक एक नंबर सबने लिया है, हमने 3 नंबर लिया है। और ये रुका 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 हमारे ही 1 नंबर पे, 2 3 4 हमारे नंबर थे और ये रुका कहाँ, आप लोग देखो 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 ये 3 पे जो हमारा नंबर है। तो जिसके नंबर पे रुकेगा दो दो अंडे मिलेंगे, वो भी बॉयल अंडे। और पीतम को मिला, पीतम बहुत खुश था, खाता तो नहीं, खाया नहीं एक भी, लेकिन उसे मिला वो ही, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये देखो गरम गरम 2 अंडे दे रहे हैं ट्रे पर, लेकिन कुक है बॉयल। ओ देखो पीतम बहुत खुश है, हाँ जीता उसने 2 2 अंडे। आ गई घर वापस, गरम गरम अंडा कौन खाएगा कौन खाएगा। सचमुच गरम है, खेलने के लिए लाए हैं, शायद शाम को ही बॉयल किए होंगे, गरम है। और पीतम को बोला वही पे खा लो, एक मतलब पहचान वाले मिल गए थे तो उसका भी एक लड़की है पीतम जैसा ही, पीतम की उम्र का ही, तो उसे बोला खा लो तो वो खा ली। और मेरा बेटा नहीं नहीं मतलब पानी है खा लो, गर्म है अंडा नहीं नहीं, तो और क्या करती बैग के अंदर भर के लेकर आ गई। वो अभी तक नहीं आया, वो जो पहचान वाले है उनके साथ घूम रहा है, बोला बाद में जाऊंगा मैं अभी अभी घर नहीं जाऊंगा, अभी सामने ही मेला चल रहा है, सामने ही रोड पर। तो बच्चे का मन होगा क्या घर आ जाओ जल्दी, बोला ठीक है तुम घूमो, बहुत गर्मी है भीड़ भी है, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं घर चली आई। और आज चावल भी पकाना है क्योंकि शाम दिन को मैंने सिर्फ दिन का बनाया था, कहीं जाना था जो कैंसिल हो गया, तो अभी गरम गरम चावल चढ़ा भी दिया है मैंने आकर, फिर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और क्या 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 लिया दुकान पे दिखा देती हूँ, वो बाकी है दिखाना, सब कुछ शेयर करती हूँ, ये भी क्यों नहीं, क्या कहाँ क्या घुसा। ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, 250 रुपये में, बहुत ही अच्छी है, चांदेरी सिल्क की है, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, इसी को देखकर मैंने लिया। और नीचे भी कपड़ा लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि पानी में दोगे और ख़राब हो जाएगा, तो बहुत पसंद आया ले लिया। और सफ़ेद लेगिंग्स एक ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़्यादा लेगिंग्स लेने गई थी और कुर्ती भी लेकर आ गई। और मेरे हस्बैंड चिढ़ाने लगे कि दुर्गापुर गई वहाँ पे इतना मार्केटिंग की फिर भी नहीं हुआ, वहीं पे सब कर लेती फिर यहाँ पे, फिर ना हो गया, लेगिंग्स लेना भूल गई थी और लेगिंग्स लेने के लिए गई तो कुर्ती पसंद आ गई। और मेरे हस्बैंड ने एक टी शर्ट ली है, कल पहनेंगे ना, पहला बैशाख है, हमारे यहाँ नई चीज़ें पहनी जाती है, तो इसलिए उन्होंने लिया है, कुछ नहीं लिया है, एक ही टी शर्ट लिया है, सुबह कल सुबह नहा के हम सब नई चीज़ें पहनते हैं तो इसलिए। और नाइटी मेरा है, नाइटी भी है, सुबह उठते ही तो नहा के मैं ये सब नहीं पहनूंगी, देखती हूँ कहाँ पे रखी है, मैंने नहीं ली है, नहीं ली तो है। और हाँ और क्या बोलूँ, तो कल तो बहुत ही धूमधाम है हमारे यहाँ पे बंगालीज में, पहला बैशाख बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, आप लोग जानते हो शायद, को कुछ लोग जानते होंगे कुछ को मैं बता रही हूँ। क्या सुबह से क्या क्या होगा क्या नहीं होगा दिखाऊंगी कल जितना हो सके, बाहर जाने की मन तो है पर जाने के लिए, लेकिन पता नहीं हस्बैंड लेकर जाए या नहीं, अभी कल का कल देखेंगे, आज का तो ये सब हो गया। चलो आज का वीडियो मैं ही एंड करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा।